जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका तो स्वागत है। अरे नहीं ठीक नहीं है, तो जैसे कि कल हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आई थिंक 40 तक हो गया था 40, और बाकी क्वेश्चन आज कवर अप कर लेंगे। और कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आज ही कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया था ना। यस हाँ ये बताइए, कह रहे यदि आपके पास एक पावर पॉइंट शो है जो आप किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो आप अपने ईमेल से मैसेज में पावर पॉइंट शो को किस तरह जोड़ेंगे? कोई बोलेगा? बहुत आसान, बस घुमाया है। आपको पता ही है कि कोई भी चीज अटैच करे, क्लिक के जैसे बनी होती है अटैच करते, और सेंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, मैसेज सेंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस इंटर होती है। कंट्रोल इंटर दबाते हैं तो मैसेज क्या होता है, सेंड हो जाता है। इंटर 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 करके ठीक है। आपको जानते हैं उमंग का पूरा नाम क्या है, बताइए। मोबाइल ऑप्शन आते हैं यूनिक तो होता है नहीं, कैसे पढ़ने न्यू एज होता है, न्यू एज होगा ही होगा, पहले वाला एज नहीं है, एज नहीं है, और दूसरे में यूनिक हो गया तो ऐसे इलिमिनेट कर देंगे, नन वाला आएगा नहीं। ऑप्शन सी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गोल, न्यू एज लगता है ना, एज लगता है ना, लगता है। चलो मान, करें व्यक्तिगत लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं किया जाता, व्यक्तिगत लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं किया जाता है, जो पर्सनल करें पर्सनल लोन इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मनी और बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल। लोन वगैरह तो बिजनेस के बेस पे ही दिया जाता है, बिजनेस बताइए बताइए, इसको कुछ बोल रहे हैं सुजीत, ट्रू हो सकता है। चलिए भाई, तो मुझे ट्रू ट्रू होगा, बहुत इंतजार कर रहे हैं। होगा कुछ एक बार थोड़ा पढ़िए क्या कहा है, पढ़िए इंग्लिश में पढ़िए, पढ़िए क्या कहा है। अरे पढ़िए सर, मैं अभी ये बात समझाया उसके बाद भी वही गलती है। पर्सनल लोन में कोई भी लोन है तो किसके बिहा पे लोन आपको दिया जाता है, प्रॉपर्टी के बेस पे? प्रॉपर्टी नॉट बोला है नहीं, वो अभी भी कंफ्यूज लग रहा है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस है तो आपको लोन उस बिहा पे मिल सकता है, या आप बहुत बड़े जमींदार हैं उसके बिहा पे मिल सकता है, या आपका कोई मतलब कि व्यक्तिगत कोई चीज है आपकी, नहीं होता सैलरी स्लिप लगती है उसके बिहार में चलता है, मतलब किसी पे बिहार में ही मिलेगा, पर्सनल लोन ऐसे मिल जाएगा क्या? अगर पर्सनल लोन ऐसे मिल जाता तो इस सड़क के किनारे कोई रहता, वही के जमीन दिखा देता, अगर नरिया के तरफ ले रहा है तो फिर सब अरे रोजगार रहता है। तो आपको पता नहीं है कि जो जो वर्ड जो मतलब जो वर्ड ढूंढ दिया गया है वो अच्छे कामों में भी काम आते हैं और बुरे कामों में भी हमारे समय समय होते हैं, और वो कई गांव के मालिक होते हैं, तो बहुत पैसे होते हैं, बस तो उनका रहन सहन थोड़ा अलग रहता है, वरना वो बहुत अमीर होते हैं भाई, उनका खाना अलग है, थोड़ा तरीका अलग है जो आपको नहीं पसंद आएगा, वरना पैसे हर चीज में मामले में, और प्रॉपर जगह इसलिए नहीं हो पता क्योंकि वो कई गाँव के मालिक होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, मेरे गाँव में बारा जो मेरे गाँव का है उसका 40 गाँव का मालिक है सोचिए, अलग अलग ठीक है ठीक है अलग ठीक है। इसके बाद तो पर्सनल लोन नॉट लगा हुआ गया, मतलब किसी ना किसी के बिहार पे आपको लोन मिलेगा, तो इसमें नॉट लग गया है इसलिए चीजें गलत हुई, समझना नहीं बात। कल निम्नलिखित फाइलों को प्रकार में किस किसी ईमेल के द्वारा भेजा नहीं जा सकता, डॉक्यूमेंट को भेजा
वर्ड नहीं लग रहा मुझे, डॉट टीएक्सटी और डॉट सेवन जेड ए होगा। एक्सीडेंट टीएक्सटी किसका है? होता टीएक्सटी होता है सर, बोल रहे हैं वर्ड है और पे आरटीएफ होता है। अच्छा ये सब क्या वही तो पूछा, टीएक्सटी कैसे आप दिखाएं भाई। हम होता सेवन जेड ही होगा वाला देखते हैं, डाउट है सेवन बी ए और सी में, लेकिन देख ले आई थिंक ए होगा, देख लेते हैं सी, क्योंकि मैं ईएक्स पे इसलिए मैं कह रहा ना दो चीज। अरे ईएक्सी है क्या सर, पहले ये तो देखिए क्या है, डॉट है सेवन जेड क्या है, डॉट ईएक्सी क्या है, नहीं डॉट ईएक्सी किसका एक्सटेंशन है, डॉट ईएक्सपी किसका एक्सटेंशन है। एक निष्पादन योग्य फाइल, एक्से फाइल, एक कंप्यूटर फाइल में जिसमें निर्देशों या इनकोडेड अनुक्रम होता है, उपयोगकर्ता द्वारा फाइल आइकन पर क्लिक कर सीधे से निष्पादित कर सकता है। मतलब फाइल जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड बता रहे, फिर से बारह भेजा जा सकता है, मतलब ये प्रोसेसर लेते हो गया। हाँ डॉक देख लिए, बारह भेजा अरे भेजे होगा पता है, तुम तो अभी तुम वर्डपैड का नोटपैड का भूल गए, ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तुम। एक डॉट सेवन जेड किसका है? डॉट बार फाइल व्हाट इज शेयर सर्वर सिमिलर टू जेड जिप फाइल, जिप फाइल को भेज सकते हैं ना, विनजिप वगैरह। सेवन जेड फाइल आर सिंपली कंप्रेस और ट्यूब फाइल, हाउ एवर द जेड सेवन जेड एक्सेस इज क्रिएटेड बाय द न्यूमरस कंप्रेसर विच इज द मोस्ट स्टेबल ओपन सोर्स सेवन जिप एच फाइल कर दिया जाए, क्योंकि दो में डाउट नहीं है, डाउट कहाँ है, डॉट सेवन जेड डॉट ईएक्सी। अब ये पता चले डॉट ईएक्सी किसका है तो पता चले, इस पर लिख लीजिए, नहीं तो फोटो ले लीजिए या फिर नोट ले लीजिए। कर कह रहा है कि अरे ये क्या है, आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ पे स्टोर होता है, इनबॉक्स कौन बोला है, वेरी गुड, कौन बोला इनबॉक्स, हाँ सुजीत तुम बोले हो, हाँ कौन दिया बोला इनबॉक्स, सुजीत हम जान रहे हैं आवाज़ें पता लगती है चेहरा देख के, तो आप भेजेंगे किसी को तो आपका भी, आप किसी को भेजेंगे तो भी इनबॉक्स में रहेगा। वेरी गुड, हाँ चल रहे, वेरी गुड इसलिए बोला होता कि कहीं तू कर ले क्या हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे सेंट नहीं आउटबॉक्स देता है, याद रखिएगा। ट्वीट ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का प्रयोग कर सकते हैं, क्या होगा? नो कर देखो बोला है लड़का, सही बोल है। जीमेल के फाउंडर कौन है? एक तो है कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? गया जीमेल के फाउंडर ना, क्योंकि ये पॉल विच बुचिट तो हाँ लैरी, हाँ लैरी लैरी पे दोनों एक ही के हैं, गूगल के दोनों लोग थे, दोनों लोग थे, ये दोनों कैंसिल हो गए। बोला वो एक बार देख लेते हैं, जीमेल के फाउंडर कौन है, विद द फाउंडर ऑफ जीमेल, विद द फाउंडर ऑफ जीमेल, सही जीमेल लिखा और था ना, कुछ अरे बी वाला तुमको तो होगा यार, आंसर तो नहीं लिखा यहाँ है नहीं, पता लिख लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है।
पेज और सर्जी ब्रिन उसके हो गए गूगल के, और सुंदर पिचाई तो आप सीईओ हैं गूगल के, तीनों गूगल से रिलेटेड हो गए। बचा सिर्फ एक पॉल बुशर्ट, तो उनको कर दीजिए क्या, फाउंडर ऑफ जीमेल लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन क्या है, फाउंडर ऑफ गूगल। अच्छा नेक्स्ट चले, Yes. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेसबुक में जहां आपके दोस्तों की फोटो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? टाइमलाइन, न्यूज फीड, स्टोरी या पब्लिक? क्या होगा, बहुत लगाते हो तुम लोग। नहीं होगा वही नहीं कह रहा है, फेसबुक पे स्टोरी लगता ही, वहां स्टेटस लगता है, वहां भी लोग स्टोरी के बेस पे फोटो लगा रहा है आजकल। वैसे नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है वहां पे लोग फोटो जैसे स्टेटस लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, वहां वेर इज द फोटो ऑफ योर फ्रेंड विजिबल ऑन फेसबुक। क्या लिखा, न्यूज फीड ना, जहाँ न्यूज फीड होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए रुक जाइए, थोड़ा सा राइट डाउन बंद करिए, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा पोस्टेड ऑन प्रोफाइल में सो इन योर फ्रेंड फीड, कोई फीड्स मतलब न्यूज़ फीड हो गया, समझ गए, फीड से मतलब न्यूज़ फीड, ये रहा क्या, लिख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट होता था क्लियर, पहले शानदार है जिसका पहले लोग दिए हैं, सिर्फ क्या माउस कौन सा डिवाइस, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन आता था पहले कि माउस कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। अब तो गलती क्यों नहीं आ रहा, सोचो भाई। अच्छा, ठीक है प्रिया, प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, प्लॉटर बताओ, ट्रिपल सी का एक एक क्वेश्चन नंबर पा जाओगे तुरंत। प्लॉटर कौन सी डिवाइस है, ऑप्शन दे दें। सही है, प्लॉटर। आवाज आता है नाश्ता क्या, क्या हुआ, नहीं नहीं बताओ क्या नाचता है, मतलब वही प्लॉटर बताया था क्या, पूछो तो ना रहे हो, यहाँ दिखा दे रही, इमेज दिखा दे रहे, समझ जाना। गजब हाल यार, तुमको नाचने वाला कॉल आई। अच्छा प्रिंटर प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, प्रिंटर टाइप का प्लॉटर क्या होता है, रिजल्ट देता है। का अरे तू का चक्कर ही चलना चाह रहा था, सुने तो सुकलाती बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं, उसे गोपी से कुछ भी उगाने नहीं बना दोगे, जो होगा वही लिखोगे, समझ में आ गया। ये अच्छा अच्छा नहीं तो ब्याज ज्यादा तू भाई सस्ता वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, प्लॉटर आउटपुट वैसे पढ़ाई गया फंडामेंटल। ट्विटर में ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है, ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है, अब ट्रेंडिंग ही क्या होता है। हाँ ये बात है, हाँ ट्रेंड
क्वेश्चन आया था, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो पूजा ये होगा, चलो भाई पूजा करिए, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन देखिए। हाँ, फ्रीवेयर के दो उदाहरण कौन से हैं? ऐसी इसका नाम बता बताइए। दें सी इंस्टेंट मैनेजर और गूगल टूल बार। यस बताओ भाई, रोहित कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? बताओ लैंग्वेज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीवियर। माइक्रोसॉफ्ट वाले वर्ड, में सच्ची दिखाई सही इसका राइट आंसर शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग। नहीं है। बताओ अमन, वो लड़का मुझे बताएगा, बताओ। ये लगता यही लग है रहा है, वही नहीं कह रहे हैं। तो पैसे लेता हूँ तो आदमी क्रैक करके चाहिए तो मैं करते, तो आदमी कर लेता है। बताइए जैसे और इसके बाद में कोई आइडिया नहीं है वो मुंबई के द्वारा आप देखते हैं नहीं किए का नहीं है, क्योंकि सुजीत बता देगा अभी। सही होगी, देख लेते हैं। और आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और राइट आंसर आपको मिल गया इंस्टेंट मैसेज। कोई नहीं है बस कंप्लीट तो पहले की बात करते तो मान लेते हैं। चलो ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस तरह आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म। अब एक नई सीरीज ला रहा हूँ आपके सामने, तो तुमने के लिए आंख बंद कर लेना, तुम लोग क्वेश्चन बड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्लर भी जा रहे हैं इतना देखकर देखकर दो मिनट देखिए, आओ तो अगला क्वेश्चन की सीरीज में ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, आप लोग थोड़ा सा एक काम करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, जो भी बच्चे रिसेंटली एग्जाम देके आएंगे उनका कुछ ना कुछ क्वेश्चन इकट्ठा करके डालते हैं वीडियोस, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। रिपीटेड हो सकते हैं जो आजकल सेट चलेंगे इस महीने में, ठीक है? तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और प्लीज, तो ये तो पैर पकड़ लोगे पास होके आइएगा, ठीक है? बहुत तो जरूरी है पास होना। तो ठंडी हट रही है, तो मैं भी फिर से डालूंगा फॉर्म, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना है तुझे। देखो हाँ, तो क्या बोलते, एग्जाम में जो भी महिंद्रा के टीचर्स होते हैं वो लोग भी SSC बैंक का फॉर्म डालते हैं, पता है क्यों? सिर्फ अच्छा लेकिन वो हो सकता है महिंद्रा प्रोवाइड करता होगा उन लोगों को, ताकि वो लोग एग्जाम में बैठेंगे तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे ना। तुमको पता है जो उनको रीजनिंग पढ़ाते हुए इसी फ्लो में SI निकाल दिए हैं। अब बताओ, जो रीजनिंग उनको पढ़ाते हैं अभिषेक यादव नाम OBC है, उनका निकल गया SI। हाँ, पढ़ा रहे थे टीचर, बहुत कम एज के हैं, बहुत यंग है, बहुत यंग है, लगभग मेरे या जो भी मेरे से 1 साल बड़े हो सकते हैं, छोटे नहीं है मेरे से, लगभग वैसा ही बन गए, हो गया। अब बस उनको पोस्ट मिल जाएगा कहीं, सिर्फ पढ़ाते पढ़ा रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उनका बहुत तगड़ा है, गेसिंग से बहुत तगड़ा। अब पता नहीं किसी GS भी सही मार देते, पढ़ते पढ़ रहे। सोचो SI के क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन मैथ, 40 GS, GS में सब होते हैं, संविधान वगैरह सब होते हैं, 40 हिंदी, क्या क्या बोल रहा हूँ, एक चालीस क्वेश्चन रीजनिंग। मिला अब सोचो मैथ में 40 से 40 क्वेश्चन आएंगे, तो बताओ एक भी गलती नहीं होगी। संविधान के आर्टिकल में ये बताया गया कि भारत सनातन भारत है इंडिया स्टार्टिंग में ये तो बताया गया, स्टार्टिंग वाले में का। भागवन में, अब जो भी आर्टिकल हो 1 से लेकर 11 के बीच में है, इन्हीं में है जानता हूँ। क्वेश्चन चलिए ये हो बहुत गया ना, फिर कोई तरीके बात नहीं, देख लिया जाएगा। चलिए अगर आगे क्वेश्चन में चले, अच्छा क्वेश्चन आप बंद करिए फटाक से, चलिए चलिए चलिए, मत बंद करिए। से
या आंसर क्या होगा अच्छा तो बता रहे, क्या होगा इसका? सिंपल वेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका बताइए। ठीक निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है? हाँ क्या होता है, बताया गया ना क्या होगा, बताओ जी तुम। रोहित गलत बता रहे हो, ध्यान से नहीं आ रहा है, एक बार और सोचो। रोहित बताओ तुम, एंड्रॉइड एंड्रॉइड 8.0, 0 गई है 8.0, चलिए बोलो। ठीक है, राइट आंसर है लिनक्स। कोई वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है? नहीं वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है? हब, स्विच, गेटवे या राउटर? डी सर, लग रहा है, किसको राउटर सी लग रहा है? हाँ ही होगा हाँ तो क्या बोला मैं, सी बिल्कुल। राउटर नहीं, राउटर तो बस काम करता है, प्रोटोकॉल का हैंडल नहीं करता है। कल अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए वो कितने लोगों को सी लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एजुकेशन के लिए या ई कॉमर्स के लिए? ठीक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाँ ठीक हाँ क्या होगा बताओ जल्दी से, कितने लोग बी वाला है? हाँ ये तो जानते ही आप लोग, कुछ सोचना ही नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। क्यों? हाँ ठीक, दूसरा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, बताया गया है कितनी केबल की आवश्यकता होती है। अरे बताइए जैसे सी वाला ऑप्शन नहीं, ये नहीं आ जा रहा है, क्या होगा राइट आंसर इसका? हाँ कंट्रोल हाँ वेरी गुड, गलत है, कौन सा होगा? गुड, 10 इज राइट आंसर, देख लीजिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखवाया गया होगा जब टोपोलॉजी पढ़ाएंगे तभी। इतने क्वेश्चन आप लोग कराया हूँ, जरूरी नहीं ठीक है, लेकिन बहुत क्वेश्चन बताया, बहुत ज्यादा, एक 2 महीने हम लोग क्वेश्चन ही चल रहा है। क्यों? बहुत क्वेश्चन पढ़े उसके बाद भी। हाँ हाँ सच में, क्यों रोए? ये शुरू से पढ़ रहा है, ये लड़का ऐसा है जो ईमानदारी 2-3 महीने से पढ़ रहा है। सब ये बात मतलब है, हो ही नहीं सकता, ये तो मैं क्लियर हूँ तुमको, लेकिन कॉन्फिडेंट में हूँ कि तुम फेल नहीं हो, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर अच्छा ग्रेड ला दिए ना तो फिर थोड़ा बिल्कुल 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 ये पूजा होगी क्या बिल्कुल क्या कर रही है पूजा? बिल्कुल क्या क्या देगी अपनी सहेली, सहेली क्या कह देगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा है? बहुत शानदार है, ऑप्टिकल इतना एक्साइटेड हो गए क्यों आप? आराम से क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन फाइबर सा है? और कोई नहीं, सर इंग्लिश में नहीं है। अरे कौन सा है कि इसमें ट्रांसफर रेट ज्यादा होती है? ट्विस्टर हिंदी पेयर, पेयर ट्विस्टर पेयर, ट्विस्टर पेयर नहीं होते जिसमें? हाँ में है क्या होगा, चलो सी से जाएंगे, कैट 6 पे कोई जा रहा है? डी ठीक ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड वायर है वो तो बॉक्स को बोला जाता है ब्रॉडबैंड। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, लिख लीजिए आपका।
आप लोगों को सोचिए कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कर रहा हूँ। सही है। करेक्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर सोए क्या है, मतलब इन दोनों क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का नाम सुना ही आप लोग, ये क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्राम है, कोड है, इनमें से कोई है? क्या होगा? क्या वेरी गुड, गलत है। अरे भाई, कोड तो होगा नहीं, होगा? लैंग्वेज थोड़ी है ये, लैंग्वेज प्रोसेसर है, लैंग्वेज बदलने का काम कर रहा है, यानी कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राइट आंसर देख लिया, इतना समझाया कहीं, ठीक है, सही है। ये बताइए आप लोग, पैकेट स्विचिंग क्या हुआ? क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या इससे पहले वाले? नहीं लिखे हैं, अभी बोलो आप, जाने कर दे देखिए थोड़ा सा। अरे सब कारण पांच चीजें ओके ठीक है, इतना बैठ गए तुम ही, और यहाँ तुम बुलिया बुलिया सब पूछ ले रहे हो तुम। सिस्टम देखिए कंप्यूटर एक ऐसा ट्रैक है ना, उसपे जितना भी सीखे ना उतना मजेदार है, मन लगाइए आना चाहिए। अब मुझे, मैं सोच रहा हूँ वो लेवल करो। हाँ वही चीज, कोई तो यही पता है। गॉगल लेना, क्योंकि आँख पे बहुत असर पड़ेगा इसके, टाइम दिन भर यही, मतलब फोन, इसके बाद फोन से पढ़ाई। हाँ, वही लेना। हाँ कहाँ मिलेगा, एक दुकान से मिलेगा क्या? ऑनलाइन दुकान, हाँ दुकान सस्ता नहीं देंगे, बहुत महंगा ये हो गया। तो इसी 300 तुम खर्च कर दिए, मैं इस पर तो 500 रुपये। तो ठीक है, अब जैसे घर में भी ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हो गया, बता दीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पैकेट स्विचिंग के विधि के प्रत्येक पैकेट सूचना के संप्रेक्षण के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पत्र ले सकते हैं। पैकेट स्विचिंग को किस विधि और किस टेक्निक से, जो भी है, प्रत्येक मतलब आल पैकेट सूचना के संप्रेक्षण के लिए नेटवर्क के माध्यम से, हाँ संप्रेक्षण, हाँ अच्छा वह सह ही बोल रहा हूँ मैं, वो निकल संप्रेक्षण ही पढ़ता हूँ, छ नहीं पढ़े उसे, सही बोला संप्रेक्षण, वही निकलता है। ठीक है, परिकल क्या होगा राइट आंसर? देखिए गलती से टिक भी लग गया, अब बताइए क्या होगा राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बताओ रोहित। नहीं हाँ टीसीपी होना चाहिए, बाकी लोग का, और साथ में हिंट भी दे दिया हूँ, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता हूँ। वर्चस्व हाँ वर्चस्व वर्चस्व क्या होगा, थोड़ा सा कर्सर में थोड़ा नीचे कर देंगे और अब बोल सकते हैं आप लोग, अब सही है, यूडीपी इज द राइट आंसर। कब लिख के लाया मशीन लिखा, उसके बारे में लिखा भी क्या है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट प्राइमरी यूज टू एस्टैब्लिश द लो लेटेंसी है, देखिए लो लेटेंसी एंड लो टॉलरेटिंग कनेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट, जो लोग उस टाइम करते हैं लो होते हैं उस टाइम, लिख लीजिएगा चाहे तो लाइन भी लिख लीजिएगा, यूडीपी के बारे में दो लाइन लिख लीजिएगा, नहीं इसका वर्क क्या है? चलो अरे ये यूडीपी के बारे में लिख लीजिए ना आप लोग, ज्यादा क्या सोचते हैं, यूडीपी पैकेट स्विचिंग यूडीपी से उसके बारे में लिखिए क्या हुआ। आपको पता है, आपने कभी सोचा है ट्रिपल सी का एग्जाम हर महीने क्यों होता है? पता है ना, अभी सोच बताऊंगा इसके लिए। और
बताओ अगला क्वेश्चन चले, ये बताइए तो फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन, सर। हिंट दिए हैं बता दीजिए अच्छा क्या होगा, गाइडेंस पढ़ाई क्या होगा। रोहित नहीं सर, प्राइवेट नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, पब्लिक सर्विस नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, पब्लिक स्पीच, टेलीफोन, ओके नेटवर्क। ये तो आप लोग बता देंगे। ए तुम क्यों बोल रहे हो, ठीक किया ओके होगा, किया होगा। अभी बच्चे बताते कुछ बोल दे रहा, तुम पहले ही बोल दिए। ठीक है, 2 तारीख को पता था ना, 1 तारीख को, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस होना है। सही, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज, सेफर सिंड्रोम, डिजीज बोल दो बाय मिस्टेक, सेफर, ये सब सिंड्रोम होगा, डिजीज थोड़ी होगा। ठीक है ठीक बिल्कुल है, अरे मैं 10th का पढ़ा हूँ भाई। ठीक है, सिंड्रोम होगा, सिंड्रोम पीछे पढ़ता है, सब जानते हैं, तब फिर भी अनजाना चाहिए। हाँ ठीक है, आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, क्योंकि मुझे जाना, नहीं मुझे जाना।